इस दुनिया में हर चीज़ का एक आकार होता है, बट समझना ये है हम उसे माइंड में एब्जॉर्ब कैसे करें। और हर बिगनर यही सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कलाकार बन जाऊं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम 3D ड्राइंग बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। लेकिन सबसे पहले 3D ड्राइंग को समझना। तो 3D ड्राइंग के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्केचिंग का। स्केचिंग के लिए डिपेंड करता है कि आप अपने आसपास क्या देखते हो, किस चीज़ को ज़्यादा बनाने की प्रैक्टिस करते हो। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हर चीज़ का एक आकार होता है, चलिए मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। जैसे ये है ग्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ग्लास का फोटो क्यों खींच रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो उसका फोटो क्लिक करेंगे ही। तो फोटो क्लिक कैसे करना है? फोटो क्लिक करने के एंगल तो बहुत सारे हैं, बट हमें ये समझना है कि 3D वाला एंगल हमारा कौन सा है। तो मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये है सही तरीका। वो कैसे, चलिए बताता हूँ। हमारा जो देखने का नज़रिया है वो 3D होना चाहिए। हम किस एंगल से जो है चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। जैसा कि ये है मेरा नोट वाला ड्राइंग, इसका फ़ोटो भी मैंने कुछ इस तरीके से क्लिक किया है। अगर हम फोटो को इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये 2D कहलाएगा, मतलब इससे सिर्फ सिंपल ड्राइंग ही बन सकती है। और अगर हम ऊपर की ओर से क्लिक करेंगे तो 3D। जैसा कि मेरा ग्लास वाला ड्राइंग, वैसे तो ये रेफरेंस है, आई थिंक इसका फोटो भी कुछ ऐसे ही क्लिक हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 2D और 3D ड्राइंग में विजिबल डिफरेंट क्या है। कि 2D ड्राइंग एकदम फ्लैट होती है और 3D ड्राइंग शीट के बाहर की ओर दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है, चलिए बताता हूँ। 2D ड्राइंग सिर्फ X और Y एक्सिस पर बनती है और 3D ड्राइंग जो बनती है वो Z एक्सिस को ऐड करके बनती है, जिससे वो और भी ज़्यादा रियल दिखाई देती है। फिर शेडो ऐड करने के बाद तो बस क्या ही कहना ड्राइंग का। इस ट्रिक से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब आपको ड्राइंग का ट्यूटोरियल दिखाता हूँ। तो गाइज, मैं ड्रॉ करूँगा लालटेन। लालटेन का रेफरेंस मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं ड्राइंग के लिए। ब्लैक एडम की ड्राइंग आपने देखी होगी, उसका रेफरेंस भी जो है मैंने प्रिंटेस से ही डाउनलोड किया था। चलो अब लालटेन को ड्रॉ करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 अलग अलग कलर पेंसिल का। ये है बूस्ट्रो और ये है टॉम्स, दोनों ही बढ़िया पेंसिल्स हैं। तो स्केचिंग करने के लिए आप कोई सी भी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। तो शीट है हमारी पेस्टल ग्रे, A3 इसका साइज है। हमें शुरुआत में सिर्फ रफ लाइंस क्रिएट करनी है कुछ इस तरीके से। आप मेरे YouTube पर कोई सा भी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने शुरुआत में रफ लाइंस बनाई है, इसके बाद जो है उसे डार्क किया है। इससे हमें स्केच को परफेक्ट पोजीशन मिल जाती है। बट फिर भी आपको दिक्कत हो तो कुछ ऐसी लाइंस माइंड में कैप्चर करो। हम स्केचिंग में इतना फोकस क्यों कर रहे हैं पता है? आर्ट स्किल में आप कहीं भी चले जाओ, वो लोग क्या करते हैं, जब तक कि आपको स्केच करना सही से नहीं आता तो वो कलर्स का वर्क आपको नहीं देते। तो गाइज, हो गया हमारा स्केच कंप्लीट। चलो अब बारी है कलर्स जानने की। तो गाइज, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वाटर कलर। क्या आपने कभी वाटर कलर पेंटिंग बनाई है? उसी तरीके से हमें वाटर कलर डालना है और ऐसा हमें पूरी ड्राइंग में करते रहना है। लालटेन का ऊपर वाला कड़ी मैं ब्लैक पेंसिल से बना रहा हूँ। हल्के हाथों से हमें इसे शेड करना है। ये वाला पार्ट बहुत छोटा है इसलिए थोड़ा टफ हो सकता है। एंड ये है वाइट पेन। अगर आपके पास वाइट पेन नहीं हो तो आप जीरो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। वाइट पेन का यूज़ हमें कुछ डॉट डॉट टाइप यूज़ करना है। यहाँ भी जो है मैं वाटर कलर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमें वाटर कलर को मिक्स करते हुए चलाना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ फिर से कलर पेंसिल का और एयरब्रश से मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। पेंसिल को एकदम लाइट मोड पर चलाना है, मतलब थोड़ा राउंड राउंड भी इसे जो है चलाना है।
यहाँ पर मैं 3 तरह की कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। फिर से मैं वाइट पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये जो जगह खाली है मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ एक्रेलिक कलर का। तो गाइस इसी तरीके से हमें पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है। शैडो बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल पाउडर का और ब्रश से इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। शैडो हमें बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड करनी है। तो हो गया हमारा ड्राइंग कंप्लीट। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके मन में जो भी सवाल हो 3D ड्राइंग को लेकर वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।